अब जब आप शिक्षक हैं तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अब जैसे सर, जैसे अभी मैं अबेला में पोस्टेड हूँ, वहाँ पर जो इलाका है वो आदिवासी है, तो मैं एक मेन समस्या तो बच्चों के साथ यह हुई कि मैं वहाँ जिस स्कूल में हूँ वहाँ की वो स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे ग्रासियों की भाषा, और अपने अधिकतर हिंदी में उनको बातचीत करनी पड़ती है। तो पहले तो मैंने उनको भाषा भी नहीं समझ पा रहा था, तो एक तो मेरे लिए उनकी स्थानीय भाषा की समस्या थी। फिर जो वो मैं जिस स्कूल में, वो बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, तो वहाँ के पेरेंट्स भी कोई पढ़े लिखे नहीं, वो फर्स्ट जनरेशन हम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे बच्चों को होमवर्क देते थे तो वो भी उनका समय पर पूरा नहीं हो पाता था, और यदि उनको कोई घर पर या काम में तकलीफ आती थी तो उनके पेरेंट्स नहीं करवा पाते थे। ये समस्या आई थी स्पेशली इस स्कूल में। तो आपको अंग्रेजी पढ़ाते हुए क्या समस्या आई और आपने कैसे उसका समाधान? सर, जैसे मैं वहाँ गया और मुझे मैंने देखा कि उनकी स्थानीय भाषा है, ग्रासियों की भाषा है, और उनको हिंदी भी आधी दूरी समझ में आ रही थी, और मुझे थर्ड लैंग्वेज पढ़ाना था इंग्लिश, जो कि फॉरेन लैंग्वेज है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो सबसे पहले मैंने किया कि उनकी भाषा को समझने की कोशिश की, ग्रासियों की भाषा को, उनकी भाषा को समझा, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता, उनकी भाषा मुझे समझ में आने लगी। फिर मैंने उनकी हिंदी अच्छी करने के लिए मैंने क्या किया कि हिंदी में उनको कविता बोलना सिखा दिया, हिंदी में उनको स्टोरी सुनाता था, और बच्चों को कहता था कि ऐसी ऐसी कहानी आपकी किताबों में भी है, और फिर उनको मैंने लाइब्रेरी से हिंदी की बुक्स दी, और बच्चों को कहा कि आप भी इन बुक्स को पढ़िए। फिर वो हिंदी की बुक्स पढ़ते थे और बच्चों को प्रेरित किया कि प्रार्थना सभा है या फिर खेल के मैदान में या कक्षा में भी आप हिंदी अधिक से बोले। फिर बच्चों को लगा कि हिंदी वो समझ पा रहे हैं, और मैंने भी फील किया। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे हिंदी को रिप्लेस करते हुए इंग्लिश शब्द उनको सिखाना शुरू किया धीरे धीरे, और फिर मुझे मैंने उनकी स्थानीय भाषा के माध्यम से हिंदी और हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी मैंने उनके बच्चों की ठीक की। आजकल मोबाइल में काफ़ी फंक्शन आते हैं, जैसे कि बच्चों को जोड़ भाग गुणा भाग संक्रिया करवानी है तो कैलकुलेटर का सिस्टम भी आता है, तो बच्चों को वो भी उसमें दिखा सकते हैं कि जोड़ भाग गुणा भाग भी इसमें होता है, प्रतिशत लाभ हानि जो भी है वो बच्चों को हम सिखा सकते हैं, और बच्चों को उसके माध्यम से भी सवाल हल करवा सकते हैं, उन बच्चों को सहभागी करवा सकते हैं। और इसके साथ ही एक फंक्शन उसमें आता है कैलेंडर का, तो बच्चों को हम कैलेंडर भी बता सकते हैं, और उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप 10 साल 20 साल 50 साल तक की पुरानी डेट भी देख सकते हैं और आने वाले भी देख सकते हैं, तो बच्चों को वो कंसेप्ट भी मोबाइल की सहायता से सिखा सकते हैं। और ऐसा यदि हायर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो शायद मोबाइल का उपयोग और हो सकता है, उन मेथड को अपन मैथ्स में यूज करते हुए वो कोई बैक ईयर्स वाले या आगे वाले की डेट भी निकाल सकते हैं। और भी बहुत से फंक्शन होते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को कोई अच्छा गा रहा है तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बच्चों को सुना देते हैं, बच्चों में एक्टिविटी हो जाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं कि मेरी आवाज़ ऐसी है, या फिर बच्चों की प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में सुधारने, जैसे कोई राइम बोलवा दी या कोई गद्यांश है तो बच्चों से बोला कि आप अपने हिसाब से बोलो, फिर बच्चे बोलते हैं, फिर हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर हम अपन बच्चों के सामने उसको सुन कर कि बच्चों ने जहाँ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक किया वह सुधार कर सकते हैं।